अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हमने जिस चीज के बारे में पढ़ना है वो है हमारे पास जे.जे. थॉमसन एटॉमिक ऑर्डर। ठीक है जी, तो आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब कि हमारे पास क्या है। जे.जे. थॉमसन एटॉमिक ऑर्डर। ठीक है जी, अब देखते हैं भाई जे.जे. थॉमसन एटॉमिक ऑर्डर किस तरह से है। तो जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल वो मॉडल है जिसकी वजह से इसे क्या मिला था, इसे नोबेल प्राइज मिला था। जे.जे. थॉमसन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस वजह से मिला था, वो मिला था एटॉमिक मॉडल इसने एक बनाया था। अब देखते हैं कि भाई इसने एटॉमिक मॉडल कौन सा बनाया। सिंपल सा एटॉमिक मॉडल बनाया, कैसे बनाया? इसने कहा कि भाई एटम इज स्फेरिकल। एटम क्या होता है? एटम स्फेरिकल होता है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट इसके एटॉमिक मॉडल का क्या था? एटम हैज मेनी चार्ज, बहुत ज्यादा चार्ज पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा पाई जाती है। तीसरा इसने पॉइंट क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फ्यू इन एन एटम। और जो चौथा पॉइंट इसने कहा वो क्या कहा, इसने चौथा पॉइंट इसने कहा कि इसने चोरी की जॉन डाल्टन की। ठीक है, इसने कहा कि भाई एटम इज न्यूट्रल। जो एटम हमारे पास होगा वो क्या होगा? एटम न्यूट्रल होगा। तो ये चार पॉइंट मेन थे जो किसने कहे, जे.जे. थॉमसन ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया उसके अंदर का। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि भाई जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल होता है इसके अंदर क्या है, इसने कहा ये इस तरह का एक एटम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है। इसने कहा ये जो एटम है ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसका बना हुआ है। ठीक है जी, जो हमारे पास एटम है ये स्फेरिकल है और ये स्फेरिकल जो है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्जेस का बना हुआ है। इसके अंदर सारी कौन सी चार्जेस मौजूद हैं? पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। इधर भी, साइडों से भी और इसके दरमियान भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। ठीक है जी, आपको पता है आपने वाटर बैलून देखा होगा। ठीक है, वाटर बैलून जो देखा होगा उसके अंदर बीच उसका क्या होता है, रेड कलर का होता है। जो रेड कलर का बीज होता है उसके अंदर बिल्कुल थोड़े थोड़े काले काले दाने के बीज मौजूद होते हैं, काले काले दाने मौजूद होते हैं जिन्हें बीज कहते हैं। ठीक है जी, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई जो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कैसे मौजूद हैं, जैसे वाटर मेलोन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बीज मौजूद होते हैं, इसे इसके अंदर भी क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मौजूद है और प्रोटॉन बहुत ज्यादा मौजूद है, पर ये है क्या, ये न्यूट्रल है। उस वक्त इसकी सोच थोड़ी सी चेंज जरूर थी, पर इसने इस सोच ने इसे नोबेल प्राइज दिलाया, क्योंकि उस वक्त अभी चीजें ज्यादा डिस्कवर नहीं हुई, न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इसलिए ये कह रहा था, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास बच रहा था ना, इसने वो मास भी इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया था, प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी एटम का मास कर रहे थे सिर्फ ये तो प्रोटॉन को नापा जा रहा था कि भाई इसके अंदर इतने प्रोटॉन है तो इसका मास इतना बनेगा। अभी न्यूट्रॉन तो थे ही नहीं, तो न्यूट्रॉन भी असल में उस वक्त किस चीज को गिने जा रहे थे, प्रोटॉन को गिने जा रहे थे। तो इस वजह से इसने क्या कहा था कि भाई बहुत ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, उसके अंदर चंद ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा मॉडल था जो किसने दिया था, जे.जे. थॉमसन ने, जिसकी वजह से इसे नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये फेल हो गया। अब ये क्यों फेल हुआ, इससे फेल करने के लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम नील बोहर था। ठीक है, जिन्होंने बोहर से एटॉमिक मॉडल दिया। तो आ जाते हैं उस बोहर एटॉमिक मॉडल की जानिब। वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास होगा बोहर एटॉमिक मॉडल। बड़ा जबरदस्त है, बोहर एक अमीर तरीन शख्स था। ठीक है, उसने सोने के ऊपर काम किया, तो देखेंगे कि बोहर ने क्या कहा। तब तक के लिए सदा सौभाग्यवती, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा। सदा सौभाग्यवती।